दिनों की नोकझोंक के बाद दोनों ने ब्रेकअप करने का सोचा, मगर बात को काट कर कोई खत्म ही नहीं कर रहा था। जैसे अब भी कोई कशिश, कोई मीठी तकरार बाकी थी। ब्रेकअप की बात को लेकर आमने सामने मिले तो कोई बातें नहीं हुई, बस एक सवाल पर आकर खड़े हुए। आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चाहती हो, उसने जोर डालकर पूछा। कहानियां पूरी करना चाहती हूं। ओ तो तुम्हारे लिए मैं बस एक किरदार हूं। बेशक नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो मैं शायद बता नहीं सकती, मगर तुम्हारा साथ होना अच्छा लगता है मुझे, मेरी कहानियों को। इस भागदौड़ की जिंदगी में तुमसे दो बातें भी कर लूं तो दिल बहल जाता है मेरा। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक कार्टून हूं जिसे खुद को एंटरटेन किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात, तुम मेरे लिए सुकून हो, वो सुकून, वो ठंडक, वो राहत जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ महसूस करता हूं। वो इस बात पर चुप खड़ी रही, फिर उसने कुछ अजीब से हंसकर कहा, कहानियों से तो दिल लगी बहुत है, पर असल दिल लगी हमेशा यूं खामोश हो कैसे हो जाती हो अफसाना निगार। मेरे वजूद के लिए कभी कोई अल्फाज ही नहीं मिलते तुम्हें। उसके तीखे हमले के जवाब में उसने बड़ी सरलता से कहा, हां अफसाना निगार हूं, कहानियां बुन सकती हूं, हकीकत को बुना नहीं जाता, जिया जाता है। और अफसाना निगार भी हर जज्बात को लिख नहीं सकते, जहां अल्फाज खत्म होते हैं वहां से एहसास शुरू होते हैं, जिनसे रूबरू होना लाजमी है, बयां करना नहीं। न जाने तुम्हारे इन लंबे लंबे जुमलों से मेरे दिल में हरकत क्यों होती है। तुम्हारे साथ तो हकीकत भी फेरी टेल की कहानी लगने लगती है, उसने बिल्कुल करीब होते हुए कहा। और हकीकत में यह हकीकत है भी क्या, कौन जानता है। असल में लिख कौन रहा है और रचनाएं किसकी है, ये कहां किसे मालूम है। क्या पता मैं तुम्हारे कहानी का किरदार रहूं। अपने मस्तवाल आंखों से उसकी ओर देखा उसने, इतना हसीन किरदार, इतनी रोशन हकीकत। अरे अरे हमारी तकरार किस बात पर थी। हां कुछ बहस तो हुई थी व्हाट्सएप पर, जरूर तुमने बात शुरू की होगी। तुम इतना पटर पटर बोलते हो, तुम सीधा क्यों नहीं बोलती, तुम सवाल ही इतने करते हो तो जवाब उसे एलर्जी है। तुम्हें कहानियों से इतनी एलर्जी क्यों, तुम असलियत से इतना भागती क्यों हो। मैं तो हकीकतों को अपने अंदर पनपने देती हूं और बाहर मुझे तड़पने छोड़ती हो। मुझे क्या कम तकलीफ होती है, मुझे पीड़ा देकर मरहम मोहब्बत बात बस। अक्टूबर से विदा न हुए बारिश की तरह दोनों बरसते रहे, भीगते रहे।